हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है और क्या फाइन करना है सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट टेन एक्स इक्वल टू सेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फोर पाई एंड सेट बी इक्वल टू ठीक है एक्स सच दैट साइन स्क्वायर ये इन इक्वेशन को सॉल्व करना है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन ठीक है आपके पास सेट ए को डिफाइन करना है सेट ए में कौन सा एलिमेंट होगा जो इस इन को होल्ड कर रहा हो टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू फोर पाई और सेट बी को ये सॉल्व करना है आपको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फोर पाई इसमें देखना है कि कितने एलिमेंट एक्स के कितने एलिमेंट होल्ड कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है वही होगा वैल्यू तो सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू अगर ऐसे लेते हैं वन बाई कॉस एक्स ठीक है तो कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो उस टाइम ये कैंसिल होकर क्या बना देगा आपको साइन एक्स इक्वल टू वन और जब साइन एक्स इक्वल टू वन होगा तो एक्स का वैल्यू क्या क्या मिलेगा आपको पाई बाई टू जीरो से फोर पाई में आप देखेंगे कि पाई बाई टू आ रहा है देखिए उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा तो टू पाई ऐड कर देंगे इसमें तो फाइव पाए बाई टू ठीक है लेकिन इस सारे वैल्यू पे कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू है ना ये ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू पर कॉस क्या होता है जीरो होगा ये कह रहा है कि ये होना नहीं चाहिए एक्स का वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू एवरी ऑर्ड मल्टीपुल और ये कह रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू वन ठीक है तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है आपका एक भी एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को होल्ड करे क्यों नहीं करेगा क्योंकि आपने यहां से अगर क्रॉस कर देते हैं क्रॉस एक्स इज नॉट जीरो तब तो आपने क्रॉस किया और साइन एक्स का वैल्यू वन रखा तो एक्स का वैल्यू पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू फिर इसमें टू पाई एड कर देंगे ठीक है तो ज़्यादा हो जाएगा मोर देन फोर आ जाएगा तो यानी टू ही वैल्यू हमने जीरो से फोर में आपको टू वैल्यू मिल रहा है पाई बाय टू एंड फाइव पाई बाय टू बट इन पाई बाय टू एंड फाइव पाई बाय टू कॉस एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है ये कह रहा है कि कॉस एक्स एक्स इज नोट दिस वैल्यू और ये कह रहा है एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू सो यहाँ कंट्राडिक्ट हो गया यानी एक्स नोट मिला एक्स वाइड मिला तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया जीरो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन ए जीरो हो गया ठीक है तो नंबर ऑफ़ सेट ए क्रॉस बी आपको बी निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इसका मीनिंग हो गया नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी और आपने देखा कि ये जीरो है जीरो इंटू एनीथिंग जो भी निकलेगा क्या मिलेगा आपका जीरो सो डी ऑप्शन करेक्ट है कोई दूसरा ऑप्शन चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं था ओके थैंक यू